मैं प्रिया आपके साथ। पंजाब के साथ लगती भारत पाकिस्तान सरहद पर होने वाले हेरोइन तस्करी को एक बार फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने रोका है। अमृतसर में जवानों को तकरीबन 35 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है, जिसे पाकिस्तानी तस्करों की तरफ से भेजा गया था। बीएसएफ के मुताबिक 2 और 3 जून की मध्य रात्रि को जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे, तभी गांव राय के करीब उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान ड्रोन द्वारा फेंके जाने का एहसास हुआ। जवानों ने सीनियर को इसकी जानकारी दी और एरिया को सील कर सर्च अभियान शुरू कर दिया। तभी उन्हें खेतों में एक बड़ा पीले रंग का पैकेट मिला। जवानों ने पैकेट को खोला तो उसमें से 5 पैकेट मिले, जिसमें हेरोइन थी। इसका वजन 5.5 किलो था, जिसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। पकड़ी गई हेरोइन की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 38 करोड़ रुपए आकी जा रही है। बीते दिन की बात करें तो बीएसएफ के जवानों ने फाजिलका के अंतर्गत पड़ते गांव चखेवा से तकरीबन 2.5 किलो हेरोइन को बरामद किया था। ये खेप भी ड्रोन द्वारा ही सरहद पार से तस्करों द्वारा भेजी गई थी, जिसे जब्त कर तस्करों की कोशिशों को नाकामयाब किया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।